जम्मू कश्मीर में बीते दिन अमरनाथ यात्रा रद्द करने और घाटी में मौजूद पर्यटकों को राज्य से बाहर जाने का आदेश देने के बाद हवाई यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि श्रीनगर और जम्मू से उड़ान भरने वाले विमानों का किराया 8000 रुपए से अधिक हो गया है। हालांकि हवाई कंपनियों ने सरकार के आदेश पर रद्दीकरण और यात्रा तारीख में बदलाव होने पर लगने वाले चार्ज को तो खत्म कर दिया है, लेकिन किराए में बढ़ोतरी से यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इसी के चलते रविवार के लिए 15000 का श्रीनगर से दिल्ली तक का टिकट 21000 रुपए का हो गया है। वहीं श्रीनगर से मुंबई तक का किराया 16700 रुपए से बढ़कर 25000 रुपए हो गया है। आपको बता दें कि DGCA ने सभी एयरलाइंस को स्टैंड बाय मोड में रहने को कहा है। इस एडवाइजरी के मुताबिक आतंकी हमले की आशंका के चलते अमरनाथ यात्रियों से तत्काल घाटी छोड़ने को कहा गया है। साथ ही एडवाइजरी में हवाई कंपनियों से कहा गया है कि वो कम समय में श्रीनगर में ज्यादा विमान भेजने के लिए तैयार रहें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और विदेश से जुड़ी पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।